एवरीवन, नमस्कार, जय श्री महाकाल, जय शिव शक्ति। मैं हूँ डॉक्टर खुशी। तो वेलकम डिवाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरू करते हैं मार्च मंथ का रीडिंग। तो कैसे रहेगा आपके लिए टैरोट रीडिंग मार्च मंथ की, मेष से लेके मीन राशि तक। तो चलिए जानते हैं कि आपके लिए ये महीना कैसा रहने वाला है। पूरा प्रेडिक्शन इसमें रहेगा आपके करियर रिगार्डिंग, आपके हेल्थ एंड आपके जो है फाइनेंशियल कंडीशन एंड आपके लव रिगार्डिंग। तो चलिए जानते हैं कि आपके लिए दिस मंथ कैसा रहने वाला है। शुरू करते हैं अगली राशि की ओर, जो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए चलिए जानते हैं कि आपके लिए दिस मंथ कैसा रहने वाला है, आपकी प्रिडिक्शन क्या कहती है। तो लव फीलिंग दिखाई देती दे रही, कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को लेके काफी ज्यादा जो है आप स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील करते हैं। कहीं अपने पार्टनर को लेके बाहर घूमने जाने का मन जरूर बनाते हुए दिखाई देते दे रहे, जिसकी वजह से काफी लॉन्ग टर्म थोड़ा टाइम जो अपने पार्टनर के साथ आप बिताएंगे। तो ये हो सकता है कि 10-15 दिन की बात हो सकती है या फिर 8-10 दिन की बात हो सकती है, क्योंकि लॉन्ग जर्नी दिखाई देती दे रही है। तो कहीं बाहर मीन्स कि कहीं फॉरेन कंट्री या फिर कहीं आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ से भी काफ़ी दूर तक डिस्टेंस दिखाई देती दे रहा है। तो अपने पार्टनर के साथ टाइम बिताएंगे। न्यू लव फीलिंग्स स्टार्ट दिखाई देती दे रही है। तो आपके लाइफ में जो नया पार्टनर भी आएगा, कहीं शादी की बात चले तो डेफिनेटली हाँ करके आपके मन के मुताबिक आपको पार्टनर मिलेगा। तो काफ़ी चीज़ें जो है ना अपने मन से होती हुई दिखाई देती दे रही है। अगर बिजनेस की बात करो तो कहीं ना कहीं आप काम में जो जल्दबाजी करेंगे बिजनेस या फिर जॉब के, जिसके वजह से जो है तो आप कहीं ना कहीं डांट सुननी पड़ सकती है। कहीं कुछ लेके आप काम को लेके गड़बड़ जरूर करेंगे, तो ये गड़बड़ ना करें। आपका वैसे भी नाम फेम कुछ ज्यादा अच्छा है, कहीं ना कहीं आपको आपके काम की लोग प्रशंसा भी कर दे, तो उस प्रशंसा को प्लीज ना डुबाए। काफी अच्छी एनर्जी बैलेंस है अगर आप अपने पार्टनर के साथ। अब बस आपका थोड़ा ये मन रहेगा कि अपने पार्टनर के साथ ज्यादा टाइम बिताए, काम 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 बहुत हो गया, कहीं ना कहीं अपना मन जो है थोड़ा बाहर गेट टूगेदर पार्टी या फिर कहीं कुछ सोशल इवेंट, कहीं ना कहीं बाहर जाना या फिर कहीं अपने दोस्तों से मिलना है या फिर कहीं रिश्तेदार से मिलना है, ये चीज़ों में जो आपका जो है मन जो ज़्यादा बीतते हुए दिखाई दे रहा है। चलिए जानते हैं कि आपके लिए एंजल्स मैसेज क्या कहना चाहता है, जिस मन आपके साथ क्या होने वाला है, आपको क्या गाइडेंस देंगे एंजल्स। तो कहीं ना कहीं अपने फाइनेंशियल कंडीशन को लेके जो है अपने स्ट्रांग रहना है, यस करके कहीं ना कहीं कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी जो आप लेके आ सकते हैं एंड सक्सेस का कार्ड दिखाई देते रहे। तो जितना काम करेंगे उतने आपके लाइफ में जो सक्सेस जरूर रहेगी। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करिए एंड सब्सक्राइब चैनल पे बेल आइकन का क्लिक करना ना भूलें, जिसके वजह से मेरे जितने भी नोटिफिकेशन है जो आपके पास पहुंच जाए। ये जनरल रीडिंग्स होती है, हर किसी को रेजोनेट नहीं करते, ये मून राशि से ही जो है वीडियोस बनती है एंड ऐसे ही मैं आपके साथ हर वक्त मिलने के लिए आती हूँ। और डेली वीडियोस आ रही है वेलकम डिवाइन चैनल पे और आप लोगों का प्यार भी बहुत ही मिल रहा है, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। ऐसे नहीं कि नहीं सब्सक्राइब कर रहे, पर कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट्स नहीं करते, कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं कमेंट्स बॉक्स के कमेंट्स पढ़ती हूँ एंड रील्स को फॉलो जरूर कीजिएगा, शॉर्ट वीडियोज को फॉलो जरूर कीजिएगा। आप ऐसे ही स्वस्थ रहे, मस्त रहे और खुश रहे और ऐसे ही हमारे साथ जुड़ते रहे, क्योंकि YouTube चैनल की फैमिली जो है अभी बहुत ज्यादा जो है बढ़ने वाली, तो ऐसे ही मेरे साथ जुड़ते रहे। तब तक के लिए नमस्कार।